सो गाइज ओनली फॉर 3 नंबर का आपको जरूरत पड़ेगा एंड आपको 350 रुपये प्लस का प्रॉफिट हो जाएगा बिल्कुल 100% मेरी गारंटी के साथ। गाइज देखो आज की इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, आपको बहुत ही खतरनाक प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। और पेमेंट 100% मिलेगा, पेमेंट की टेंशन आपको नहीं लेनी है। सो गाइज अगर आप मेरे चैनल पर नए आ रहे हो, पहली बार आ रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, जो भी हमारे लेटेस्ट अपडेट वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और गाइज देखो आज की जो लूट है ना बहुत ही धमाकेदार लूट होने वाली, क्योंकि आप 4 नंबर से गाइज 350 प्लस लूटने वाले हो, बहुत ही खतरनाक लूट है। और आपको जो पेमेंट है गाइज 1 से 2 घंटे के अंदर 100% पेमेंट मिलने वाला है, पेमेंट की गारंटी मेरी है गाइज, ठीक है। 100% आपको पेमेंट मिलेगा, जो स्टेप बता रहा हूँ वैसे फॉलो करना है आपको, ठीक है। सो गाइस देखो वीडियो स्टार्ट हो, बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन ज्वाइन जरूर करना, क्योंकि गाइस यहाँ पर आपको न्यू एयरड्रॉप, न्यू एप्लीकेशन, न्यू वेबसाइट सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है, ऑल इन वन टेलीग्राम है, ठीक है। तो फटाफट ज्वाइन कर लो हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो गाइस देखो अभी मैंने कुछ देर पहले यहाँ पर एक लूट डाली थी, ठीक है। यहाँ पर आपको बता दूँ, यहाँ पर मैंने इलराउंड की लूट डाली थी गाइस, ठीक है। इलराउंड की लूट आती रहती गाइस, यहाँ पर आप यूज़र ने बहुत सारा लूटा था, यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस यूज़र हमारे बहुत सारी अर्निंग करनी चाहते हैं, ठीक है। सो गाइस देखो अगर आप इतना सारा अर्निंग करना चाहते हो फटाफट ज्वाइन कर लो टेलीग्राम को, आपको पता चल जाएगा कि हमारे चैनल पे कितनी ज़्यादा अर्निंग होती है, ठीक है। तो अगर आपको पेटीएम से अर्निंग करनी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस चलिए इस धमाकेदार लूट वीडियो को फटाफट स्टार्ट कर लेते। सो गाइस देखो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको वेबसाइट का लिंक, ठीक है। जैसे आप वेबसाइट के लिंक पे आओगे तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, ओटीपी डालना है, ठीक है। जैसे आप इसमें साइनअप कर लेते हो फिर बताता हूँ आपको यहाँ पर क्या करना है गाइस। देखो जैसे आप वेबसाइट में साइन अप कर लेते हो तो फिर यहाँ पर आपको क्या करना है गाइस मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ से मी वाले ऑप्शन पे आ जाना है, ठीक है। जैसे आप मी वाले ऑप्शन पे आ जाते हो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको निक नेम चॉइस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना निक नेम डाल देता हूँ गाइस, ठीक है। डालने के बाद कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म जैसे आप करोगे फिर आपको क्या करना है गाइस, यहाँ अकाउंट डिटेल का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ अपना नेम डाल देना है, ठीक है। कुछ भी नेम डाल सकते हो आप, अपना नेम डाल देना, लेकिन मैं यहाँ ईमेल आईडी पुट कर देता हूँ गाइस, ठीक है। सो गाइस जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर प्रोसीड हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही प्रोसीड हो जाता है फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, फिर से प्रोफाइल पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा इनरोल बैंक, ठीक है। इनरोल बैंक पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इनरोल बैंक पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बैंक सेलेक्ट करना है, ठीक है। अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सेलेक्ट प्लेस पर क्लिक करना है, यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट सर्च कर लेना है, ठीक है। और गाइस देखो यहाँ पर आप सब एक काम करना है गाइस, इसमें कुछ चल रहा है, बक्सा चल रहा है, ठीक है, जिसमें कि आप यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो बैंक अपना, और पेटीएम पेमेंट्स बैंक का यहाँ पर बैंक डाल सकते हो, ठीक है। वैसे यहाँ पर नहीं डाल सकते हैं लेकिन आप डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन आप अपना रियल बैंक डाल देना अगर आपका फिजिकल बैंक है, वरना आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक या जियो पेमेंट्स बैंक भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऐसे देखो जैसे आप यहाँ बैंक ऐड कर देते हो फिर बताता हूँ आपको यहाँ पर क्या करना है। सो गाइस देखो जैसे आप सेव पे क्लिक कर दो तो यहाँ पर आपका जो बैंक अकाउंट है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन गाइस आप याद रखना जो आपका एक बैंक अकाउंट है आप एक ही बार ऐड कर सकते हो, अदरवाइज आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन जरूर रहेगा चेंज करने का लेकिन आप चेंज नहीं कर सकते हो, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से बैक कर देना है। बैक जैसे ही करोगे तो यहाँ पर आपको बैक कर देना है। यहाँ पर आपको रिवॉर्ड पर क्लिक करना है, ठीक है। रिवॉर्ड पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको 3 वाउचर मिल जाएगा, ठीक है। तो तीनों को क्लेम कर लेना है। मैंने यहाँ पर ऑल वाउचर क्लेम कर लिया। क्लेम करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा बैलेंस जो है 100 रुपये हो चुका है, ठीक है। अब गाइस मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। सबसे पहले इस वेबसाइट का एक और अकाउंट बना लो, ठीक है। एक और अकाउंट बनाना है आपको, कहाँ पर बनाना है, बाय ब्राउज़र में, ठीक है। तो आपको बताता हूँ बाय ब्राउज़र में आप जाना, ठीक है। यहाँ पर आपको बाय ब्राउज़र में एक और सेम अकाउंट बना लेना है, ठीक है। और बैंक में ना आपको फेक बैंक सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से इस वेबसाइट का एक फेक अकाउंट इस बाय ब्राउज़र में बना लेता हूँ, ठीक है। तो गाइस देखो मैंने अपना फेक अकाउंट बना लिया है, ठीक है। जब गाइस देखो आप फेक अकाउंट बनाओगे तो याद रखना एरोप्लेन मोड को एक बार ऑन ऑफ कर देना, तभी दूसरा अकाउंट बनाना फेक अकाउंट, ठीक है। वरना आपका जो अकाउंट है वो बैन हो सकता है, ठीक है। अब क्या करना है गाइस, सबसे पहले ध्यान से सुनो, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों अकाउंट को स्प्लिट स्क्रीन कर लो, ठीक है। यहाँ पर मैं स्प्लिट स्क्रीन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्प्लिट स्क्रीन में दोनों अकाउंट को ले लेता हूँ, ठीक है। ये वाला गाइस मेरा मेन अकाउंट है, ठीक है। ये वाला मेरा मेन अकाउंट है और ये वाला है फेक अकाउंट, ठीक है। अब गाइस क्या करना है, यहाँ पर होम पे क्लिक करना है, ठीक है, दोनों पे, ठीक है। यहाँ होम पे क्लिक कर देना है। जैसे आप होम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दोनों अकाउंट में 100-100 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आपको एक रमी का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। रमी पे क्लिक करना और यहाँ पर भी आपको रमी पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर दोनों पे जैसे आप रमी पे क्लिक कर दोगे तो फिर यहाँ पर आपको एक गेम प्ले करना है, ठीक है। मैं लाइव प्रूफ आपको करके दिखाऊंगा कैसे प्ले करना है, वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नॉइज़ को कम कर लेता हूँ, ठीक है। नॉइज़ आ रही होगी आपको। सो गाइस देखो यहाँ पर गेम लोडिंग हो चुका है, ठीक है। सो गाइस देखो आप यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा रमी का गेम, ठीक है। रमी सेलेक्ट करना है यहाँ पर, ठीक है।
सो गाइस जैसे भी यहाँ पर रमी सेलेक्ट करो तो यहाँ पर भी आपको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पर लोड नहीं हुआ है गाइस अभी तक, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लोड कर लेता हूँ इसे। सो गाइस यहाँ लोडिंग हो रहा है, यहाँ पर भी आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपको रमी पे क्लिक करना है। जैसे आप रमी पे क्लिक करोगे तो फिर क्या करना है, यहाँ पर आपको पूल का ऑप्शन दिख रहा होगा गाइस, ठीक है। यहाँ पर आपको जूम करके दिखाता हूँ, पूल का ऑप्शन दिख रहा हो, ठीक है। इस पर क्लिक कर देना है पूल पर, और वहाँ पर भी पूल सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर दो यहाँ 100 रुपये वाला चूज़ करना है, ठीक है। यहाँ एंट्री फीस 100 रुपये है ना, इसमें भी 100 रुपये, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। साथ साथ में आपको दोनों क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दोनों पर क्लिक कर दिया, लाइव प्रूफ आप देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो दोनों मैच है वो एक साथ मैच लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो मैच एक साथ लग चुका है, अब क्या करना है, यहाँ पर आपका जो मेन अकाउंट है, ये मेरा मेन अकाउंट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ फेक अकाउंट वाले में क्या करना है, यहाँ पर एग्जिट हो जाना है, ठीक है। ध्यान से देखना गाइस, एग्जिट हो जाना, एग्जिट टू लॉबी पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको ओके पे क्लिक करना है, ठीक है। सो गाइस देखो, यहाँ पर आप 180 रुपये जीत चुके हो, ठीक है, अपने मेन अकाउंट में, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हो, मैं 180 रुपये जीत चुका हूँ गाइस, आप लाइव प्रूफ आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मैं बैक कर देता हूँ गाइस। अब आप मेरा बैलेंस देख सकते हो, 260 रुपये यहाँ पर हो चुका है। 180 रुपये मैं जीता था, ठीक है, और 80 रुपये मैंने गेम प्ले का, मैंने गेम प्ले और किया था, ठीक है। सो गाइस देखो, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ मिनिमम विड्रॉ 300 है, ठीक है, 300+ है गाइस, ठीक है। तो आपको क्या करना है गाइस, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक दो बाईपास और करना है, एक दो बाईपास और करके ऐसे गेम प्ले कर लेना है, ठीक है, और मनी इकट्ठी कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मनी इकट्ठी और कर लेता हूँ गाइस, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर आप लाइव प्रूफ देख सकते हो, मेरे अकाउंट में 420 अमाउंट हो चुका है, ठीक है। मैंने 203 नंबर से बाईपास किया, ठीक है, और टोटल अमाउंट 420 हो चुका है। और गाइस देखो, आप इसे आप विड्रॉ करने जाओगे तो यहाँ पर ये विड्रॉ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 499 कुछ 500 बता रहा है, नीड ऑल रिल ओवर, ठीक है। इसका मतलब गाइस से आपको मतलब ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा 500 रुपये का, ठीक है। कैसे करना है आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको बैक करना है, यहाँ पर होम वाले ऑप्शन पर आना है, यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा रमी, ठीक है, इस पर फिर से क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर थोड़ा लोड हो जाएगा, ठीक है, इसे लोड होने देते हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा बिंगो, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन करना है। कैसे करना है गाइस देखो, यहाँ पर आपको मतलब जैसे आप 20 रुपये इसमें लगाओगे जॉइन ग्रीन पे रेड पे, ठीक है, 20-20 करके ऐसे लगाते जाना है, ठीक है, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जॉइन रेड पर लगा देता हूँ गाइस 20 रुपये, ठीक है, कन्फर्म कर देता हूँ। और यहाँ पर ग्रीन पे भी गाइस मैं 20 रुपये लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पैसा देख सकते हो, लाइव प्रूफ कट चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा वेट करते हैं, ठीक है। और गाइस देखो, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपको 20-20 करके ही लगाना है, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पर देख सकते हो, अगर यहाँ पर ये वाला कलर आ जाता है ना, तो यहाँ पर आपको बहुत खतरनाक वाला लॉस हो सकता है, ठीक है। तो आपको गाइस 20-20 करके ही लगाना है, ठीक है। इस वेबसाइट का एक रूल होता है, अगर आप ज़्यादा पैसे लगा देते हो तो वो कलर नहीं आता है, ठीक है, अदर कलर आता है गाइस, ऐसा होता है इस वेबसाइट में, ठीक है। तो आपको 20-20 का ट्रांजेक्शन करते जाना है, ठीक है, और टोटल आपको 500 रुपये का ट्रांजेक्शन कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं फटाफट ट्रांजेक्शन कर लेता हूँ। सो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने सारा ट्रांजैक्शन यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पर मेरे अकाउंट में 364 रुपये बचे हुए हैं, ठीक है, 420 थे गाइज। लेकिन गाइज देखो, यहाँ पर कुछ कलर अजीब अजीब आ गए थे, इस वजह से गाइज यहाँ पर मुझे लॉस हुआ है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ फुल प्रोसेस, ठीक है। गाइज देखो, अगर आप ग्रीन पर लगाते हो 20 और रेड पर लगाते हो 20, ठीक है, तो अगर उसमें से ग्रीन आता है या रेड भी अकेला आता है, ठीक है, रेड अकेला आता है, तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। जो आपको पैसा है ना, वो आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपने गाइज ग्रीन और रेड पर लगाया है, अगर ग्रीन और ये पर्पल आ गया ना गाइज, ठीक है, सो गाइज यहाँ पर आपको अब लॉस हो जाएगा, ठीक है। कितना लॉस होगा, अगर आपने 40 रुपये लगाया टोटल 20-20 करके, तो आपको 9 रुपये प्रॉफिट होगा, ठीक है। बहुत ही यहाँ पर मेरे को लॉस हुआ है, ठीक है, आपको लॉस नहीं होगा गाइज, ठीक है। 20-20 लगाना, ज़्यादा मत लगाना, ठीक है। सो गाइज यहाँ पर मैं बैक कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैंने बैक कर दिया, और यहाँ पर मी वाले ऑप्शन पर आ जाता हूँ, ठीक है। गाइज देखो, जैसे मी वाले ऑप्शन पे आ जाओगे ना, देखो सबसे पहले आपको इसमें विड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पर KYC करना पड़ेगा, ठीक है। कोई ज़्यादा KYC का झंझट नहीं है, आपको ओनली पैन कार्ड अपलोड करना है, ठीक है। सो गाइज देखो, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ प्रोफाइल पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको निक नेम में गाइज ना अपना पैन कार्ड का नेम डालना, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, याद रखना गाइज ये डालना, ठीक है। मैंने गलत बता दिया था शुरुआत में, ठीक है। सो गाइज ध्यान से डाल देना, ठीक है। और गाइज यहाँ से जैसे मैं बैक करता हूँ, यहाँ पर आपको पैन कार्ड अपलोड करने के लिए सेटिंग आइकन पर क्लिक करना है। सेटिंग आइकन पे जैसे आप क्लिक करो तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा पैन कार्ड अपलोड, ठीक है, तो इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप पैन कार्ड अपलोड कर देना अपना, ठीक है। जैसे अपलोड कर दोगे तो 24 घंटे के अंदर आपका जो पैन कार्ड है वो वेरीफाई हो जाएगा, फिर आप यहाँ से विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। मैंने अभी विड्रॉ नहीं कर सकता हूँ, देख सकते हो, ठीक है। गाइज अभी जो मेरा पैन कार्ड है वो रिव्यू होगा, ठीक है, 24 घंटे के अंदर, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड अपलोड कर देना, 24 घंटे आपको वेट करना पड़ेगा। और गाइज देखो, यहाँ से आप विड्रॉ कर सकते हो, और आधे से एक घंटे के अंदर आपको विड्रॉ भी मिल जाएगा। और गाइज देखो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गाइज देखो, अगर आप वीडियो को लाइक कर दे तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और वीडियो बनाने के लिए, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दिया करो यार। तो मिलते अपनी अगली और नीक वीडियो में, तब तक के लिए गाइज बाय बाय।
close till I get up. Time is barely on our side.